भारत जहां कहा जाता है जैसा मन वैसा अन्न, ऐसे में स्कूल की रसोई को संभालने वालों का भी मान सम्मान पूरा होना चाहिए, जरूरत की चीजें मुहैया करानी चाहिए। सीतापुर सरकारी स्कूलों में रसोइयों की वेतना, इन्हें सुबह 8 बजे से पहले काम पर बुलाया जाता है और शाम के 4 बजे तक वहां रोककर रखा जाता है। वादे के मुताबिक इनके वेतन में अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी अभी तक ना तो वेतन में कोई बढ़ोतरी हुई है और ना ही कोई सुनवाई हो रही है। स्कूलों में कुछ सीनियर अध्यापकों का व्यवहार भी इनके प्रति अच्छा नहीं है। अब इनकी उम्मीदें हैं जिला अधिकारी से, जहां ये अपना प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे हैं। कार्यालय में ज्ञापन दिया है, किस चीज को लेकर ज्ञापन दिया है, क्या समस्या? सर हमारे लोगों की समस्याएं तो गिनी जाए तो गिनने की कोई इतनी सीमा नहीं रहेगी कि हमको समस्याएं रहती हैं। हम लोगों से काम तो इतना लिया जाता है कि सुबह 8 बजे 8:30 से स्कूल जब तक खुल जाता है और 4 बजे तक तब तक रोका जाता है जब तक छुट्टी ना हो जाए, और टाइमली कभी पैसा मिलता ही नहीं है। जबकि 29 दिसंबर को योगी जी ने कहा था कि आप लोगों का टाइमली पैसा मिल जाएगा, वो भी 500 रुपये बढ़ा के, लेकिन ना ही टाइमली पैसा मिला। बढ़ाना तो दूर रखो, जो मिलता है 1500 रुपये वो भी हम लोगों को कभी टाइम से नहीं मिला। और साथ साथ में एक होली में हम लोगों को ऐसा सौगात दे दिया है, कंपोजिट विद्यालय रघुनाथपुर पैंदापुर के रसोइयाँ रहने वाले हैं, उनको 2 रसोइयों के टीचरों की तानाशाही से चलते हुए निकाल दिया है। और जब रसोइयों ने उनसे कहने के तो कहीं जाओ जाके खंड शिक्षा अधिकारी से अप्लीकेशन दो, जाके वहाँ जब वो कहेंगे तब रखेंगे। जब रसोइयाँ वहाँ गई तो वहाँ कहने तो कहीं जाओ जाके टीचर रख लेगा, टीचर फिर जब वहाँ गए तो कहीं जाओ जहाँ मन के वहाँ जाओ, हम तुमको नहीं रखेंगे। टीचरों की तानाशाही ने ऐसे परेशान कर रखा है, एक तो विभाग मानदेय नहीं दे रहा, दूसरे टीचर भी परेशान है। रसोइयाँ ऐसी स्थिति में कहाँ जाए, अपनी इतनी समस्या विभाग से तो अवगत कराएगी। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी समस्याएं जल्द से जल्द निस्तारण करी जाएं, अगर नहीं करी जाएंगी तो हम अगले आगामी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। मैं प्राथमिक विद्यालय रसोइयाँ वेलफेयर एसोसिएशन प्रांतीय संयुक्त सचिव संजीव तिवारी जनपद सीतापुर। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी सुनवाई हो और ये अपने काम पर वापस सम्मान के साथ लौट पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार इंडिया लाइव।